हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 के रण में उतरी पार्टियों ने जहां अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, वहीं गुरुग्राम से निर्दलीय प्रत्याशी अश्विनी शर्मा ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। अश्विनी शर्मा का आरोप है कि प्रदेश में सभी सरकारों ने गुरुग्राम से सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेकर अपना खजाना भरने का काम किया, लेकिन गुरुग्राम में विकास के नाम पर सिर्फ खोखले वादे ही किए गए। अपने संकल्प पत्र में अश्विनी शर्मा ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के साथ साथ शहर के लिए मुसीबत बने मुद्दों को खासी अहमियत दी है। देखिए, मैनिफेस्टो जो मेरा है उसके अंदर एक नंबर पर जो मैंने दिया है वो है स्वच्छ, हरित व खुशहाल गुरुग्राम का संकल्प लिया है मैंने। दूसरा नंबर पर है कम्युनिटी स्पेस व सांस्कृतिक स्थल, वो हर समाज के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि एक आध के लिए, हर समाज के लिए, और ढंग से होने चाहिए, अच्छे प्रकार से बनने चाहिए। प्रदूषण रोकथाम तीसरे नंबर पे, प्रदूषण रोकथाम, ट्रैफिक व सड़क प्रबंधन का, और चौथे नंबर पे है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पांचवें नंबर पे पब्लिक पार्किंग, छठे नंबर पे कानून व्यवस्था सुरक्षा व नागरिक सतर्कता, और छठे नंबर पे पब्लिक ड्रेनेज व सीवर।